गगहा थाना क्षेत्र के मजिगावा स्थित SBI बैंक में एक महिला को 2 लाख रुपए की लालच देकर 21,000 रुपए की ठगी करने वाले दो जालसाजों की वारदात बैंक में लगे CCTV फुटेज में कैद हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बैंक में लगे CCTV के आधार पर दो अज्ञात जालसाजों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर सोशल मीडिया सहित पुलिस टीमें गठित कर CCTV फुटेज में दिख रहे जालसाजों की पहचान की जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा दोनों जालसाजों की पहचान करने वाले व्यक्तियों का नाम अज्ञात रखते हुए उसे उचित इनाम देने की घोषणा की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया, स्टेट बैंक अकाउंट में कहीं जाता नहीं, ये अलग बात है कि उनकी ब्रांच में ना रहा, हमारी ब्रांच में आ गया। आपका भी तो गहना बदलने वाला, गहना साफ करने और बर्तन चमकाने वाला पेपर में निकल रहा है, हमारे यहाँ वायरल भी किया जा रहा है, 10,000 इनाम घोषित किया गया है सब कुछ कलेक्ट करें। साहब आपका कब तक आएगा? सर हमको दे दीजिए, अभी हम दे रहे हैं। हाँ दे दो, एक हमको फुटेज लगा के हम पहले कम्प्लेन लॉज कर दें, नंबर दिया है। हाँ हाँ, तो मैनेजर साहब जो उस पर कई बार प्रेशर बना बनाएंगे तब वो जल्दी आएगा। यही आ रहा है, पीला वाला जा रहा है, यहीं से ये फिर उसके बगल में जाएगी। देखिए इसको छोड़ दी देवरानी को, ये जब वो लकाश होगा देखिए भाग रही है, देखिए कितना जल्दी गई उसी के साथ, देखिए बतियाते हुए जा रही है। आप बता रहे, हम महिला है वहीं की रहने वाली है पास की, सुशीला जी जो बैंक में गई थी, वहाँ पे कुछ दो लड़के थे, दो लड़कों ने उनको मोटिवेट किया कि कुछ पैसा हम आपको दे देंगे, हमने कहीं से लाया है, और उसकी जगह उन्होंने थोड़ी देर में जब बैंक से बाहर निकले तो उन्होंने उसके टप्पेबाजी किया और उनको उनसे ये जो 21,000 विड्रॉ किया था उसको ले के उसकी जगह नकली नोट की गड्डी जैसा दे दिया और वो ले कर चली गई। उन्हें लगा कि वो 1 लाख रुपये है और वो लालच में वो उसकी टप्पेबाजी की शिकार हो गए। दोनों आरोपियों का CCTV फुटेज प्राप्त हुआ है, उस पर इनाम घोषित किया गया है, जो भी उस पर सूचना देगा उसे इनाम दिया जाएगा। और इस हम लोग भी तहकीकात कर रहे हैं कि कहाँ के लड़के हैं और बहुत ही जल्दी इसका अनावरण किया जाएगा।